मणिपुर में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में शुरू हुए विवाद को लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं और हालात जस के तस बने हुए हैं। मणिपुर के हालात को देखते हुए अब बीजेपी के ही कुछ विधायकों ने बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के 9 विधायकों ने पीएम मोदी के कार्यालय में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 24 जून को दिल्ली में होगी। मणिपुर में जातीय विवाद को लेकर सोनिया गांधी ने भी शांति की अपील की है। वहीं प्रदेश में 50 दिनों से जारी विवाद से परेशान होकर बीजेपी के 9 विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे अब ये समझा जा रहा है कि मणिपुर बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बता दें कि बीजेपी के 9 विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंप कर प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायकों ने बीरेन सिंह सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। विधायकों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि हालात ये बताते हैं कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रति यहां लोगों ने अपना भरोसा खो दिया है। हालांकि मणिपुर विवाद को लेकर बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की और कहा कि हम सभी राज्य में अमन और शांति चाहते हैं। बता दें, इन विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और 28 बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात। आपको याद दिला दें कि 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये रैली चूरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इस रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इस विवाद को लगभग 50 दिन हो चुके हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और हालात अभी भी बेकाबू है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।